अब रुख करते हैं खबरों का। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कमलनाथ के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दौरे को लेकर कहा कि उनके समय जब प्राकृतिक आपदा आई थी तो वे बंगले से बाहर ही नहीं निकले थे। उन्होंने कहा कि कमलनाथ राजनीति कर रहे हैं, वो हवा हवाई हैं, जमीन पर कुछ भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि नेहरू परिवार के नाम पर 1000 से ज्यादा अलग अलग नाम रखे गए हैं। उन्होंने इतिहास के सबूतों को छुपाने का काम किया है और मेजर ध्यानचंद ने देश का नाम रोशन किया है। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। आपको याद होगा जब वो 15 महीने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, बहुत बार प्राकृतिक आपदा आई पर वो मुख्यमंत्री निवास से बाहर नहीं निकले। 15 महीने में वो डेढ़ जिले भी दौरा करके नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हर समय प्राकृतिक आपदा में यदि किसी किसान को या रहवासी को कोई दिक्कत हुई है तो उसके आंसू पोंछने का। निश्चित रूप से इस देश में कांग्रेस ने और नेहरू परिवार ने केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने और अपने सत्ता को हासिल करने के लिए देश के हितों के साथ कुठाराघात किया है। और ये मैं नहीं कह रहा, इतिहास गवाह है। कश्मीर की समस्या हो या हिंदुस्तान की बाकी समस्याएं हैं, इसका मूल यदि कोई रहा है तो वो कांग्रेस और नेहरू परिवार रहा है। हमारी सरकार पूरी तरह से कोरोना की लड़ाई लड़ रही है और कोरोना की लड़ाई और तीसरी वेव को रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वैक्सीनेशन हम विस्तृत करें। अब सोमवार से हम 24/7 24 घंटे वैक्सीनेशन हो सके उसके वैक्सीनेशन स्थल शुरू कर रहे हैं। इससे वो लोग जो सुबह से शाम तक नौकरी या काम धंधे में जाते हैं और उनके पास समय नहीं रहता, अब उनके पास पूरा समय रहेगा। 24 घंटे में से वो कभी भी आएंगे, उनको वैक्सीन लगेगा। क्रांतिकारियों के कारण ये आजादी मिली थी, उनको तो इतिहास में दर्ज नहीं किया कांग्रेस की सरकार ने। कांग्रेस की सरकार को केवल एक परिवार मिला, नेहरू परिवार। उस नेहरू परिवार की महिमा मंडन करने के लिए लगभग 1 से 1.5 हजार स्थानों का नाम तो खेल के अवार्ड का, बाकी क्षेत्रों के अवार्ड का, शिक्षा प्रतिष्ठानों का, बड़े बड़े प्रतिष्ठानों का नाम केवल नेहरू परिवार पर रखा गया। मैं गांधी परिवार नहीं, कंट्रोवर्सी खड़ी नहीं करनी चाहिए क्योंकि मेजर ध्यानचंद ने इस देश का मान और सम्मान और हॉकी का गौरव जो बढ़ाया है, निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार को स्वयं आगे आकर ये काम करना था। और आज कांग्रेस के नेताओं को इसकी निंदा करने की जगह उसका स्वागत करना चाहिए। निश्चित रूप से ये मोदी जी का देश की जनता और खेल प्रेमियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया एक स्वागत योग्य कदम है।